ठीक है, डेफिनेटली जिम्मेदारी है और हमारा, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने राजस्थान के लिए खेला इतना समय, तो अब आप उस फील्ड में हो जहाँ पे राजस्थान को आपको देने का समय होता है। बिल्कुल कोशिश होगी कि राजस्थान के जो प्लेयर्स हैं उनको फुल अपॉर्चुनिटीज मिल सके उनकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आने वाले टूर्नामेंट्स में वो अच्छा कर सके। और जैसा कि राजस्थान के लिए हम लोगों ने 2011-12 में चैंपियनशिप उठाई थी, तो आने वाले टाइम में हम वो कर सके, रिपीट कर सके वो चीज़। देखिए, बेसिकली डेवलपमेंट यही रहेगा, जैसा कि अगर हम देखते हैं कि काफ़ी समय से एकेडमी नहीं चल रही थी, अभी RCA ने इनिशिएट किया है, नया स्टेडियम भी लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं क्रिकेट को लेके, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं और एकेडमी भी उन्होंने रन करने का निर्णय लिया है। तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स कहते हैं कि जो प्लेयर्स टीम में स्टैंड बाइज होंगे उनको प्रिपेयर रखना, ताकि मैचेस में वो जाके वापस से रिप्लेसमेंट को प्रॉपरली वहाँ जाके परफॉर्म कर सकें। और कैंप्स, फिटनेस कैंप्स, थोड़े बहुत जो भी स्किल कैंप्स लगने हैं, क्योंकि 23 में टाइम है, रेड बॉल क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी टाइम है, जनवरी में है, तो उनके स्किल कैंप्स अभी से तैयारी करेंगे, ताकि बच्चों को जब मैचेस हो तब वो प्रॉपरली प्रिपेयर हों उस टूर्नामेंट के लिए। आफ्टर जब ये सीज़न ख़त्म होगा, डेफिनेटली उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो छोटी स्मॉल डिस्ट्रिक्स हैं या जो डिस्ट्रिक्स हैं उनमें जाके भी हम वहाँ के कैंप्स लगाएं, वहाँ पे प्लेयरों को तैयार करें, क्योंकि जो बेस्ट आपके कोचेस हैं, जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, वो बिल्कुल आपके पास सेंटर में होते हैं, रन ट्रॉफी टीम के साथ होते हैं। तो कोशिश होगी उन कोचेस के साथ उन प्लेयरों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कैसे उनको अपने आप को तैयार करना आने वाले टाइम में स्टेट के लिए खेलने के लिए। ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय हो गया जब हमने रन ट्रॉफी चैम्पियन हम बने थे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं RCA में, पर अभी जिस तरह से RCA एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे मैचेस को हम देख लें, चाहे प्लेयर्स के लिए तैयारी करने की बात करें, तो अभी काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। उसी वो नज़र में रखते हुए उन्होंने आई थिंक क्रिकेट अकेडमी को भी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, और उन्हीं चीज़ों पर हम एक रोड मैप लेके चल रहे हैं और प्रिपरेशन करेंगे आने वाले टाइम में हम वेरियस टूर्नामेंट्स में टीम को जिता सकें।